कोरोना के बीच जहां आम जनजीवन में छूट दी जा रही है, व्यापार व्यवसाय शुरू किए जा रहे हैं, वहीं बसों के पहिए अभी भी थमे के थमे हुए। बस संचालक कहते हैं कि मोटरसाइकिल में 3 लोग जा रहे हैं, मार्केट में खासी भीड़ है, लेकिन बस संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए 50-25 सवारी ढोने के निर्देश हैं, जिसके कारण डीजल और स्टाफ का खर्च भी निकालना मुश्किल है। इसलिए बस ऑपरेटर कहते हैं कि अगर सोशल डिस्टेंस का पालन बसों के अंदर करना है तो फिर किराया भी 2 गुना सरकार को करना चाहिए। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। बस सेवा संचालन अभी करने का हम बिल्कुल कतई उसमें नहीं है। कारण यह है कि गवर्नमेंट ने जो हमारे को सोशल से डिस्टेंसिंग के लिए 50% गाड़ी चलाने के लिए हमारे को जो बोला है सवारी बिठाने का, तो उसमें कतई हम चलाने में असमर्थ रहेंगे। कारण यह है कि हम लोगों का डीजल के वजह से भी नहीं आएंगे, क्योंकि जो 50% गाड़ी हमारी जो चलेगी, ना तो उसमें डीजल का खर्चा निकलेगा, ना हमारे ड्राइवर कंडक्टर का खर्चा निकलेगा। तो इस स्थिति में हम गाड़ी चलाने में असमर्थ रहेंगे। दूसरी बात, हमारा गवर्नमेंट से ये भी निवेदन है कि मोटरसाइकिल पर 3-3, 4-4 जा रहे हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई महत्व नहीं। बाज़ार में इतनी भीड़ भाड़ है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई महत्व नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए महत्व है। सरकार से क्या मांग? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे जो, यदि आप सोशल डिस्टेंसिंग में गाड़ियाँ चलवाने चाह रहे हैं तो हमारा किराया डबल कर दें, क्योंकि तो डीजल की मार हमारे को पड़ रही है। अभी तक 1 रुपये का कोई लाभ नहीं मिला हमारे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।